हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क मतलब कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, अगर वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो कंप्यूटर कितने तरह के होंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। वर्क के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें, कंप्यूटर तीन तरह के थे, हम लोगों ने लिखा था, एंड फर्स्ट वन वाज एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर, ये थ्री टाइप्स हैं। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर ऑलवेज वर्क्स ऑन कंटिन्यूअस वैल्यू। तो अगर हम लोग जैसे इसके बारे में बात करें, फर्स्ट वर्क्स ऑन कंटिन्यूअस वैल्यू, वर्क्स ऑन कंटिन्यूअस वैल्यू एंड ओनली फॉर, इट इज यूज्ड ओनली फॉर मेजरमेंट, not for calculation, only used for measurement. आप measurement का काम कर सकते हैं उससे, but calculation का काम नहीं कर सकते। And more important thing is, it don't have storage capacity, don't have storage capacity. अगर हम लोग एग्जांपल लें, जैसे स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, एनालॉग वॉच, एनालॉग वॉच, एनालॉग क्लॉक एटसेट्रा, देखो आप जब स्पीडोमीटर, थर्मामीटर या एनालॉग वॉच की बात करते हैं, तो आप जैसे देखो, आप इस तरीके का, ये सपोज स्पीडोमीटर है, जैसे 0, 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120। अभी आपको स्पीड कितना दिख रहा है यहाँ पर, 60 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर दिख रहा है। अब जब आप एक्सेलरेट करते हो बाइक को, स्कूटी को या कार को, जिसमें स्पीड आपको दिख रहा है यहाँ पर, अगर एक्सेलरेट करोगे आफ्टर सम टाइम स्पीड कितना इंडिकेट कर रहा है, ये 80। तो ये पॉसिबल है कि अभी 60 किलोमीटर पर आवर था और आफ्टर सम टाइम ये 80 किलोमीटर पर आवर हो गया है, और ये कभी बीच में 75 ना हुआ हो, 74 ना हुआ हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी वो 80 तक गया होगा, तो कभी ना कभी वो 60 से 60 के बाद 61, 62, 63 ऐसे होते हुए वो कहाँ तक चला गया होगा, 80 तक गया होगा। लेकिन हम लोग बात करेंगे कि 60 से क्या वो 61 सीधा गया होगा, नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। वो 60 से 61 तक जाने में 60.01, 60.01111112 एंड 60.020 ऐसा होते हुए बहुत सारे वैल्यूज़ दिखाएगा, और तब जा कर के वो 61 तक पहुँचा होगा। तो हम लोग इनफाइनाइट वैल्यू, हम लोग कह सकते हैं 60 से 61 के बीच में वो इनफाइनाइट वैल्यू दिखाता है। आप भले ही नहीं देख पाएंगे, हमारी आँख नहीं देख सकती है उतना वैल्यूज़ को, बट वो दिखाता है, तो वो कंटिन्यूस चल रहा होगा। आप थर्मामीटर की भी बात करते हैं, जब थर्मामीटर में जो मरकरी यहाँ पर भरा होता है, हम लोग अगर ऐसे देखें 5, 10, 15, अब सपोज कि टेम्परेचर यहाँ इंडिकेट कर रहा है, यहाँ तक आपको मरकरी दिख रहा होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो वो सपोज़ कि 10 से 11 यहाँ अगर जा रहा है, तो डायरेक्ट पॉसिबल है कि मरकरी यहाँ से निकल के यहाँ चला जाए, पॉसिबल नहीं। वो धीरे धीरे मरकरी ऊपर जा रहा होगा, धीरे धीरे। इसका मतलब है कि वो 10.00001, 10.02002, 10.03 ऐसे होते हुए वो 11 तक पहुँचा होगा। मतलब वो ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है कि 10 से चला गया हो 11 और वो 10.7 पे ना गया हो, या 10.67926 पे ना गया हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितने भी वैल्यूज आप लिख सकते हो 10 से और 11 के बीच में,
10.927627 एनीथिंग वैल्यू, जो भी 10 और 11 के बीच का लिखोगे कभी ना कभी मरकरी वहां तक पहुंचा होगा, मतलब हर एक पॉइंट को टच कर रहा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो किस तरह के वैल्यू पे काम कर रहा है, कंटिन्यूस वैल्यू पे। ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा 10 और 11 के बीच में जिसको वो टच नहीं करेगा, कंटिन्यूसली वो वैल्यू को इंडिकेट करता हुआ चलेगा। दूसरी बात, में इसमें कहीं कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। कैलकुलेशन का मतलब जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे कोई ऑपरेशंस नहीं होते हैं, बस वो मेजर कर सकता है, चाहे वो स्पीड मेजर कर रहा हो, चाहे वो टेम्परेचर मेजर कर रहा हो, चाहे वो टाइम मेजर कर रहा हो। तो ये कैलकुलेशन नहीं करता, ये सिर्फ मेजरमेंट करता है। तो हमने लिखा हुआ था ना ओनली फॉर मेजरमेंट, पहले तो ये कंटिन्यूअस वैल्यू पे काम करता है, सिर्फ मेजर कर सकता है, कैलकुलेट नहीं। और मेजर क्या करता है, जैसे हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर को हम लोग थर्मामीटर से मेजर नहीं, कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम लोग मेजर ही करते हैं। स्पीड को हम लोग कैलकुलेट नहीं करता है, जो बाइक में आप कार में देखते हैं स्कूटी में, वो स्पीड को मेजर करता है, कैलकुलेट नहीं करता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ओनली फॉर मेजरमेंट, व्हाट टेम्परेचर हो सकता था, टेम्परेचर को मेजर करता है, स्पीड को मेजर करता है, हार्ट बीट बोल सकते हो आप, ब्लड प्रेशर को बोल सकते हो आप। तो ये सब जो है, हार्ट बीट है, बीपी है, ये सब जो भी मेजरमेंट का काम होता है, ये सारे किस कंप्यूटर से होता है, एनालॉग कंप्यूटर से। चाहे वो टेम्परेचर मेजर कर रहा हो फीवर के लिए, स्पीड मेजर कर रहा हो, चाहे हार्ट बीट मेजर कर रहा हो, चाहे ब्लड प्रेशर मेजर कर रहा हो। तो मेजरमेंट का नाम जब भी लेंगे आप, वो कौन सा कंप्यूटर के थ्रू होगा, एनालॉग कंप्यूटर के थ्रू होगा। दूसरा टाइप था डिजिटल कंप्यूटर। जस्ट ऑपोजिट पॉइंट्स होंगे, वर्क्स ऑन कंटिन्यूअस वैल्यू एंड दिस वर्क्स ऑन डिसकंटिन्यूअस वैल्यू, एंड डिसकंटिन्यूअस इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रीट वैल्यू, works on discrete value, या आप बोल सकते हो discontinuous value, ये continuous, ये discontinuous value, only for measurement, but ये उल्टा होगा, वो measure कर रहा था, calculate नहीं, ये calculate करेगा but measure नहीं, only for calculation। इसके पास देखो ये क्या था, मेजर कर रहा है कैलकुलेट नहीं, ये कैलकुलेट कर रहा है बट मेजर नहीं, ये स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है बट इसमें स्टोरेज कैपेसिटी होगा, हैव स्टोरेज कैपेसिटी। अब डिजिटल कंप्यूटर जो है वो आपको हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, डिसकंटिन्यूअस होगा बट होगा एक्यूरेट रिजल्ट, ये गिव्स एंड न्यूमेरिकल रिजल्ट, गिव्स न्यूमेरिक रिजल्ट या न्यूमेरिक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैलकुलेटर, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, जब हम लोग बात कर रहे हैं कि ओनली फॉर कैलकुलेशन, तो कैलकुलेटर एक ऐसा डिवाइस है जो सिर्फ कैलकुलेट कर सकता है। जैसे हम लोग जो कैलकुलेटर यूज करते हैं, आप देखे होंगे ग्रोसरी के शॉप में भी देखते हैं, हम लोग घर में भी यूज़ करते हैं, आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, जैसे स्क्वायर रूट निकालना हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना हो, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हो बट आप मेजर नहीं कर सकते हो। मेजरमेंट का मतलब उसके ऊपर आप वजन नहीं कर सकते हो कि आपका वेट कितना है, आप उसमें कोई प्रोडक्ट रख करके आप नहीं देख सकते हो कि उस प्रोडक्ट का वजन कितना है। हाँ, लेकिन आप कैलकुलेशन का काम कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर इज अ प्योर डिजिटल डिवाइस, प्योर डिजिटल कंप्यूटर। आपके जितने भी पीसी हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, सारे डिजिटल कंप्यूटर हैं। आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप, आपके डेस्कटॉप सारे डिजिटल कंप्यूटर हैं सब, क्योंकि सारे कैलकुलेशन का काम कर सकते हैं बट मेजरमेंट का कोई भी काम हम लोग नहीं कर सकते हैं, लैपटॉप से नहीं, डेस्कटॉप से नहीं। आप देखो कि लैपटॉप इतना महंगा डिवाइस है, आप मतलब 30,000, 40,000, 50,000 का आप लैपटॉप खरीद लो, लेकिन आप उसमें अपना अगर वेट जानना चाहते हैं तो आप अपना वेट उस लैपटॉप से मेजर नहीं कर सकते, आप उस पर खड़े नहीं हो जाओगे। लेकिन वेट मशीन जो काफ़ी कम प्राइस में आता है, आप उसमें अपना वजन देख सकते हो, क्योंकि वो डिवाइस एनालॉग है, वो मेजरमेंट का काम कर सकता है। लेकिन आपका जो लैपटॉप है वो कैलकुलेशन का काम कर सकता है, मेजरमेंट का काम नहीं कर सकता है। तो सारे पीसी जो हैं वो डिजिटल कंप्यूटर के कैटेगरी में आते हैं। डिजिटल में आपका डिजिटल
डिजिटल वॉच भी लिख सकते हो आप एग्जांपल में, डिजिटल वॉच। दूसरी बात हम कर रहे थे डिस्क्रीट वैल्यू क्या होता है। जैसे अगर हम लोग टाइम की बात करते हैं, डिजिटल वॉच का ही एग्जांपल ले लें, जैसे 7:32, 7:32। अब 7:32 हुआ है तो ये तुरंत 7:33 नहीं हो जाएगा, तो 7:32 और 7:33 के बीच में 60 सेकंड का समय होता है। अब कोई वॉच तो दिखा नहीं रहा है, 7:32 दिख रहा है, अगर जस्ट अभी 7:32 हुआ हो, हम रुकते हैं, हम आपसे पूछे कितना टाइम हुआ है, आपने जैसे ही घड़ी को देखा 7:32, ठीक है, 30 सेकंड के बाद हम आपसे फिर पूछेंगे कि कितना टाइम हो रहा है, तो आप 30 सेकंड के बाद क्या ये 7:32 से चेंज होकर के 7:33 हो जाएगा? नहीं, क्योंकि जब तक 60 सेकंड नहीं होगा तब तक ये 32 सेकंड से 33 मिनट तो पॉसिबल नहीं है, 60 सेकंड वेट करना होगा। लेकिन हमने 30 सेकंड के बाद ही आपसे पूछा, 7:32 हो रहा है, 30 सेकंड हुआ, फिर हम पूछेंगे, आप फिर बोलोगे कि नहीं 7:32 हो रहा है, फिर हम 10 सेकंड के बाद पूछेंगे, आप फिर बोलोगे कि नहीं 7:32 हो रहा है, फिर कुछ समय के बाद जब हम पूछेंगे आपसे 10-20 सेकंड के बाद, तब जाकर के हाँ बोलेंगे हाँ 7:33 हो रहा है। तो इस बीच में क्या आप जो बार बार एक ही टाइम रिपीट कर रहे हो कि नहीं 7:32 हुआ है, 7:32 हुआ है, तो क्या एक्चुअली में 7:32 ही हुआ है या टाइम चल रहा है? टाइम रुका नहीं है, टाइम तो चल रहा है, टाइम कभी रुकता नहीं है। तो एक्चुअली क्या हो रहा था कि सेकेंड का जो पार्ट था वो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग 7:32 बोल रहे हैं। हो सकता था कि 7:32:40 हुआ हो, फिर 7:32:41 हुआ हो, और ऐसे ही 7:32:59 होगा, तब जाकर के वो फिर 33 सेकेंड होगा। इस तरह से 7:33:00 हो जाएगा, मतलब ये 32 मिनट 40 सेकेंड, 32 मिनट 41 सेकेंड, फिर 32 मिनट 59 तक जाएगा, और तब जाकर के वो 33 मिनट हो जाएगा, 00 हो जाएगा। तो लेकिन अगर सेकंड नहीं दिख रहा होता तो हम लोग ऐसे ही बोल लेंगे कि 7:32 हो रहा है, 7:32 हो रहा है, 7:32 हो रहा है, 7:32 हो रहा है। हाँ, बहुत देर के बाद फिर देखेंगे एक मिनट के बाद कि नहीं 7:33 हो रहा है। तो एक्चुअली अगर इस पार्ट को हम हटा दें इधर से, तो आप 7:32 ही बोलोगे। तो आप क्या कह रहे हो, कंटिन्यूअस टाइम नहीं बता रहे हो, वो रुक रुक के 7:32 हुआ, फिर एक मिनट के बाद 7:33 दिखाता है वो वॉच, फिर एक मिनट के बाद, एक मिनट तक यही दिखता रहेगा, अगर सेकंड ना हो तो दिखता रहेगा 7:33, एक मिनट तक यही टाइम दिखेगा, एक मिनट के बाद अचानक से चेंज होकर हो जाएगा 7:34। तो क्या इस बीच में 33 के बाद 34 हो रहा है, बीच में समय रुक गया था? नहीं। तो आपको जो वैल्यू दिखा रहा है वो कंटिन्यू नहीं दिखा रहा है, वो रुक रुक करके दिखा रहा है। अभी 7:34 हो गया, अब वही दिखता रहेगा, एक मिनट तक ऐसे ही दिखता रहेगा, एक मिनट के बाद जाकर के 7:35 होगा। तो बीच में तो रुक गया ना वो, तो आपको कंटिन्यू टाइम नहीं दिखा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट वैल्यू बोलते हैं। लेकिन अब बोलोगे नहीं सेकंड दिख रहा है, तब क्या हो जाएगा, क्या ये एनालॉग हो जाएगा? नहीं, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो ऐसे 7:42, 7:43, अब चलो सेकंड की बात कर रहे हैं, 42 and 49 सेकंड, 7:42, 50 सेकंड, 7:42 and 51 सेकंड। तो देखो यहाँ पर 7:42, 7:42, 7:42, लेकिन हमको सेकंड दिख रहा है 49 सेकंड, 50 सेकंड, 51 सेकंड, लेकिन सेकंड 49 से 50 तुरंत नहीं होता है, जैसे 49, 50, 51 इस तरह से होता है, लेकिन इस बीच में फिर इससे भी छोटा यूनिट होगा ना, दिस इज मिली सेकेंड, देन माइक्रो सेकेंड, देन पीको सेकेंड, नैनो सेकेंड, देन पीको सेकेंड। तो ऐसा कोई वॉच आपको नहीं दिखाएगा ना पूरा, आप देख ही नहीं पाओगे, इसलिए ऑलवेज हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, डिस्क्रीट वैल्यू मान लेते हैं, डिसकंटिन्यूअस मान लेते हैं, इसीलिए हम लोग डिसकंटिन्यूअस वाले को क्या बोलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। अगर आपको मिनट दिख रहा है तो सेकंड नहीं, सेकंड दिख रहा है तो मिली सेकंड दिख रहा है तो माइक्रो सेकंड नहीं, माइक्रो सेकंड नहीं तो पीको सेकंड, नैनो सेकंड नहीं, नैनो सेकंड नहीं तो पीको सेकंड नहीं। तो इतना काफ़ी, और ये बहुत ज़्यादा, ये 10^-9, 10^-12, तो इतना नहीं देख पाओगे आप।
आप खुद सोचो कि ये 49, 50, 51 सेकंड बदलता दिखेगा, 49 सेकंड, 50 सेकंड, 51 सेकंड, ये दिख रहा है एक एक सेकंड, फिर 49, 50, 51, लेकिन ये सोचो मिली सेकंड, जब ये 100, 00 से 99, मतलब ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पर 49 है तो 50 तक जाते जाते वो कितना बार चेंज हो गया होगा, 99 टाइम्स, तो 100 बार चेंज होगा तब जाकर के सेकंड एक बार बदलता है, आप देख ही नहीं पाओगे इतना फास्ट होता है वो, एक सेकंड 49, 49 सेकंड से जैसे ही 50 सेकंड हुआ, 49 से 50 एक सेकंड कितना देर में होता है, 49, 50, 51 ऐसे, उस बीच में ये 100 बार बदलता है एक सेकंड में, तो आप देख नहीं पाओगे, तो सोचो माइक्रो सेकंड कैसे देख पाओगे जो हज़ार बार बदलेगा, और ये 10^9 टाइम्स और ये 10^12 टाइम्स, तो आप देख नहीं पाओगे। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी हम लोग को दिखेगा डिसकंटिन्यूअस डिस्क्रीट टाइम दिखेगा, इसलिए वो डिजिटल है एंड ओनली फॉर कैलकुलेशन। हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, उसको पता है कि ये 99 के बाद ये जीरो हो जाएगा। आप स्टॉप वॉच चला के देख सकते हो डिजिटल वॉच में, मोबाइल के आप वॉच को चला के देख सकते हो, ये 99 के बाद जीरो हो जाता है, आप बीच में रोक करके देखना, और ये 59 के बाद जीरो हो जाता है। जैसे अभी 7 है, 42 है और 59 तक जाएगा, और फिर 7 तब जाकर के 43 हो जाएगा, ये 59 के बाद जीरो। तो ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली होता है, और ये ऑटोमेटिकली होता है ये, इसीलिए कौन कर रहा है ये कैलकुलेशन, वो खुद होता है, ठीक है। तो जब देख रहे हो आप कि सेकंड कहाँ तक गया, 59 सेकंड, उसके बाद जीरो हो गया, तो ये कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन कंप्यूटर खुद से करता है कि कब उसको 59 के बाद जीरो करना है या 99 के बाद जीरो करना है। और मिली सेकेंड की बात करें, माइक्रो सेकेंड की बात करेंगे तो 999 के बाद जीरो होना है, 000 इस तरीके से। तो ये कैलकुलेशन हम लोग नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिकली होता है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे डिजिटल की बात कर रहे हैं तो डिजिटल वॉच तो हो गया, कैलकुलेटर हो गया, आप डिजिटल स्पीडोमीटर की बात कर सकते हैं। जैसे बाइक में, कार में जो स्पीड दिखता है ऐसे लिखा होगा 70, ये किलोमीटर पर आवर की बात कर रहे हैं हम, 70 किलोमीटर पर आवर, अचानक से एक्सेलरेट कर दो, स्पीड हो गया वो 80 किलोमीटर पर आवर, तो पॉसिबल है कि 70 से 80 डायरेक्ट हुआ हो, नहीं, स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होता है, आप जैसे ही एक्सेलरेट करोगे वो 70 हुआ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ते 71, 72 जाके 80 पहुंचा, लेकिन वो डायरेक्ट आपको दिखेगा नहीं, 70, 71, 72 ऐसे दिखेगा, और पॉइंट आपको दिखेगा ही नहीं कि नहीं वो तो 70.2 भी हुआ होगा, 70.3 भी हुआ होगा, लेकिन बाइक कैसे स्पीड बढ़ रहा है, 70, 73, 79, 80 ऐसे स्पीड हो रहा है, तो वो कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं दिखाता, वो बीच बीच में स्किप कर देता है, इसलिए हम लोग इसको डिसकंटिन्यूअस बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया डिजिटल कंप्यूटर जस्ट अपोजिट है एनालॉग का, वो कंटिन्यूअस था, ये डिसकंटिन्यूअस है, वो मेजर कर रहा था, ये कैलकुलेट कर रहा है, उसमें स्टोरेज नहीं था, इसमें स्टोरेज है, और न्यूमेरिक रिजल्ट देता है, देखो यहाँ पर न्यूमेरिक में लिखा हुआ है, कैलकुलेटर भी आपको नंबर में लिख के दिखाता है, डिजिटल वॉच भी आपका नंबर लिख के दिखाता है कि कितना बजा है, कितना मिनट हुआ है, इस तरीके से। एंड लास्ट वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का मतलब ही होता है मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, वैसे यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर कॉम्बिनेशन होगा किसका किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल बोथ, एनालॉग एंड डिजिटल। अब हम लोग बात कर रहे थे एनालॉग में मेजर हो रहा था, डिजिटल में कैलकुलेशन हो रहा था, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब है कि हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों काम कर सकता है, मेजर भी कर सकता है, कैलकुलेट भी कर सकता है, लेकिन बात ये है कि पहले मेजर करेगा या पहले कैलकुलेट करेगा। तो पहले ये क्या करता है, एनालॉग वैल्यू को मेजर करता है, एनालॉग वैल्यू को मेजर करता है और फिर उसको डिजिटल में कैलकुलेट करता है। मतलब एक्सेप्ट करता है वो एनालॉग वैल्यू, उसको मेजर किया और बाद में उसको कैलकुलेट कर दिया डिजिटल फॉर्म में। इसका एग्जांपल अगर हम लोग बात करें जो दोनों काम कर सकता है, जैसे
एक हॉस्पिटल में अगर एक जैसे पेशेंट है, हम लोग अगर बात करें कि आपको अपना बॉडी का हार्ट बीट मेज़र करना है या आपको अपना बॉडी का फीवर का, आपको बॉडी का टेम्परेचर कितना है, तो आप टेम्परेचर को कैलकुलेट करेंगे या आप मेज़र करेंगे? तो हम लोग थर्मामीटर यूज़ करते हैं कि फीवर क्या है मेज़र करने के लिए। तो टेम्परेचर को क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है। हार्ट बीट को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। लेकिन वहाँ पर देखेंगे हॉस्पिटल में क्या होता है कि कंप्यूटर कनेक्टेड होता है एक पेशेंट के बॉडी से, वायर के थ्रू, केबल के थ्रू कनेक्टेड है। उस कंप्यूटर में उसका हार्ट बीट दिख रहा होता है इस तरीके से। तो आप जानते हो कि जब ये लाइन स्ट्रेट हो जाता है इसका मतलब है कि वो पेशेंट का डेथ हो गया। लेकिन जब तक आपको ये लाइन अप्स एंड डाउन्स दिख रहे होते हैं, आप समझ जाते हो कि हाँ अलाइव है, अभी अभी हार्ट बीट दिख रहा है उसका। लेकिन आपको ये कंप्यूटर ये बस इतना दिखा रहा है कि हार्ट बीट है, अलाइव है, लेकिन कितना है। जनरली हम लोग जैसे जानते हैं कि 72 होना चाहिए एक मिनट में, 72 टाइम्स। लेकिन अभी कंप्यूटर में कितना दिख रहा है आपको पता नहीं। तो ये कंप्यूटर क्या कर रहा है, उसको एक्चुअली मेजर कर रहा है कि उसका हार्ट बीट कितना है, उसका ब्लड प्रेशर क्या है, बॉडी का टेम्परेचर कितना है, बॉडी में ऑक्सीजन कितना है, ये सारा कुछ मेजर कर रहा हो। मेजर करने के बाद उसको क्या करेगा, कैलकुलेट करके डिजिटल फॉर्म में लिख देगा। जैसे हार्ट बीट सपोज 82 है, 92, बॉडी का टेम्परेचर सपोज 38 डिग्री सेल्सियस है, बॉडी में ऑक्सीजन सपोज 30% है। ये सारा कुछ मेजर करने के बाद उसको कैलकुलेट करके यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में लिख दिया। तो पहली बात क्या कर रहा है, वो हार्ट बीट को मेजर कर रहा है। तो मेजर कौन करता है, एनालॉग कंप्यूटर। टेम्परेचर को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है, कौन करेगा, एनालॉग कंप्यूटर। लेकिन अब उसको कैलकुलेट करके लिख रहा है न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो कैलकुलेट कौन कर रहा है, डिजिटल कंप्यूटर। किस फॉर्मेट में लिख रहा है, न्यूमेरिक, तो न्यूमेरिक कौन करता है, डिजिटल। इसका मतलब ये दोनों काम करता है, पहले मेजर करता है सारा चीज़ को, बॉडी का टेम्परेचर कितना है, बॉडी का ब्लड प्रेशर कितना है, बॉडी में टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, एयर कितना परसेंटेज है, हार्ट बीट कितना है, सबको मेजर किया, फिर कैलकुलेट किया और न्यूमेरिक फॉर्मेट में लिख दिया। तो दोनों काम किया, एनालॉग का काम मेजरमेंट, डिजिटल का काम कैलकुलेशन, इसलिए हम लोग बोलते हैं दोनों। तो जनरली हम लोग जैसे बोलते हैं ईसीजी, अल्ट्रासोनोग्राफी, जो उसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं आप, अल्ट्रासोनोग्राफी, MRI, CT स्कैन, मतलब मेडिकल साइंस में जितना कंप्यूटर्स का यूज होता है वो सारे कौन से कंप्यूटर्स होंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हम लोगों ने जनरली कंक्लूड करेंगे, अगर हम लोग डिस्कस क्या किए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। ये किस लिए था, ओनली फॉर मेजरमेंट। ये किस लिए था, कैलकुलेशन। और ये किसके लिए था, दोनों के लिए, मेजरमेंट प्लस कैलकुलेशन, ये दोनों का। जो दूसरी चीज हम लोग क्या बात कर रहे थे, एनालॉग कैसा काम करेगा, किस वैल्यू पे काम करेगा, कंटिन्यूस पे, और ये किस पे काम करेगा, डिस्क्रीट पे। बस इतना ही लिखना है आपको। एनालॉग कंप्यूटर मेजरमेंट के काम में आता है, कंटिन्यूस वैल्यू पे काम करता है, डिजिटल कंप्यूटर कैलकुलेशन के काम आता है, डिस्क्रीट वैल्यू पे काम करता है, और हाइब्रिड कंप्यूटर मिक्सचर है दोनों का, मेजरमेंट भी करेगा और कैलकुलेशन भी करेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। वर्क के बेसिस पे ये तीन कंप्यूटर है। बाकी जो टॉपिक्स हैं हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस में, इसके लिए आप हमारे चैनल में बने रहिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलता रहे। आपको नेक्स्ट यूनिट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और भी। ठीक है, थैंक यू। एक बात और कहना चाहेंगे, आप अगर झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए एक बुक है, इस बुक को आप रेफ़र कर सकते हो। ये बुक में कंटेंट काफ़ी अच्छा है, आप लोगों के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए लिखा हुआ बुक है, क्योंकि हमने इस बुक को स्टडी किया है और इसमें जो टॉपिक्स है सिलेबस एकदम झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के बेसिस पे है। तो ये बुक आई थिंक आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमने इसको देखा और हमको देखने के बाद लगा कि मार्केट में ये अच्छा बुक है, आपके लिए सबसे सुटेबल बुक होगा। तो आप ये राज एंड सन्स पब्लिकेशन का बुक आप खरीद सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ही लोगों के सिलेबस को आधार पर इसको लिखा गया है। हमने जब इसको सिलेबस को देखा तो एकदम काफ़ी सुटेबल लगा आप लोगों के लिए, तो आप खरीद सकते हो इसको। ओके, ठीक है, थैंक यू।